नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फसल सलाहकार में। हेलो दोस्तों, जब मटर फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आपको यह तीन गलतियां नहीं करनी है। ज़्यादातर किसान भाई यह तीन गलतियां अधिक करते हैं। जब मटर की फसल फूल की अवस्था पर होती है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको मटर की फसल पर भूल कर भी नहीं करनी है, कब, जब मटर फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, तो इन सभी की डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मटर की फसल पर पहली गलती, यूरिया का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कब, जब आपकी मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो आप अधिक मात्रा पर यूरिया यानी नाइट्रोजन का उपयोग ना करें। जो भी फर्टिलाइज़र या फिर उर्वरक हों, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले खादों का प्रयोग कर लीजिए। यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो मटर की फसल बढ़वार तो प्रॉपर ले जाए, लेकिन जब दाने भरते हैं तो फलियां लगती हैं, ठीक तरीके से ना लग पाए तो उपज भी हमको कम प्राप्त होती है। तो इसलिए यदि आप नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले तक आप जो भी खादों का प्रयोग करना चाहते हैं वो कर लीजिए, लेकिन मुख्य स्टेज फ्लावरिंग स्टेज पर होती है आपकी मटर की फसल, तब आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी गलती, जब मटर की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तब आपको सिंचाई नहीं करनी है। कई किसान भाई क्या करते हैं, जब फ्लावरिंग स्टेज पर मटर की फसल होती है तो सिंचाई कर देते हैं। देखिए, यदि आप मटर की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि फ्लावर जो हैं वो आपके ड्रॉप भी हो सकते हैं, डंठल कमज़ोर भी हो सकते हैं, फिर भी जो फूल आने वाले हैं या फिर जो फूल लग गए हैं वो भी ड्रॉप हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए आपको मटर की फसल पर जब फ्लावरिंग स्टेज पर फसल होती है तब आपको सिंचाई नहीं करनी है। जो भी आपको सिंचाई करनी है मटर की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप कर दीजिए, एवं फलियाँ बनते समय भी आप सिंचाई कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, जब फूल बन रहे हों तब कम से कम सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती है हैवी कीटनाशकों का स्प्रे। तो कई किसान भाई ऐसे हैं जो फ्लावरिंग स्टेज पर ही हैवी कीटनाशक रेंज वाली जो दवाइयां आती हैं उनका स्प्रे कर देते हैं, जिससे फ्लावर ड्रॉप भी हो जाते हैं। जो हमारी फसल होती है उस पर भी झटका आ जाता है। इसलिए जैसे कोराजिन है, कवर है, इमामेक्टिन, बेंजुएट है, फेम है, टाकोमी है, डेलीगेट जैसी हैवी रेंज की कीटनाशकों का फ्लावरिंग स्टेज पर आपको छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि इल्लियों का प्रकोप होता है कब, फलियां बनते समय, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे फलियां बनते समय कोई भी कीटनाशक दवाई या हैवी रेंज की दवाई का कम से कम स्प्रे आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आप इल्लियों का प्रकोप आपके यहाँ हो चुका है तो आप सिंजेंटा कंपनी की एविसेंट दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्प्रे आपको शाम के समय पर ही करना है, या फिर सस्ती रेंज की दवाइयों का भी आप स्प्रे कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। समय समय पर आपको खाद दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। तो मटर की फसल पर यह कुछ ऐसी जानकारी थी जो आपको गलतियां नहीं करनी हैं। और यदि आप जानकारी चाहते हैं तो मटर की फसल पर कब कौन सी खाद देनी है, कब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, एवं A to Z संपूर्ण जानकारी हमने कुछ टाइम पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको दी हुई है, तो आप चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।